लो भाई दगड़ियों, हमारा रेलिंग भी पूरा बन चुका है छत में। तो ताऊश्री की ड्यूटी अभी चालू है इसको भिगाने की। जब तक ये पूरा परफेक्ट नहीं होता ना 6-7 दिन, तो ताऊ इसमें पानी देंगे। और अभी यहाँ नीचे चल रहा है अभी और भी काम, वो नीचे आपको बाद में दिखाएंगे, जब वहाँ भी क्लियर हो जाएगा तब दिखाएंगे। और बाकी यहाँ पे देखो दोस्तों, दाणी को तो दाणी मस्त से खेल रहा है अभी, और अभी अभी नहीं उठा है, दाणी उठ गया था 5 बजे। क्यों उठती हो तुम 5 बजे? इधर लो, यहाँ पे पकड़ो इसको, लो अब तो देखो ऐसे भी चलने लगा है। भाग मार ठपगिड़ी मार साले दाणी, वो दाणी दाणी दाणी। तो हमारी तैयारी है दोस्तों खत्ता जाने की, अपनी चंपावती जाने की। तो हम निकलते हैं अभी चंपावती की तरफ जल्दी से, काफी टाइम हो गया है, घर में यार 7 बज गए हैं। बाजी हो खाया दे, बस चरमो खत्ता जाए की खुला। हाँ तो तुम कौन दूर दिल्ली उम्मीद तुम 5 बजे के खीर ने आ ताऊ कक्षी ये किस्मत हो तो ऐसी भाई, सुबह सुबह हमको टॉफी भी मिल गई है बड़े द्वारा। ताऊ कब जा रही है? अच्छा छोड़ दे अपन फल घास तो रहा। अब ये देखिए जरा कदा लंबू लंबू घास हो गया अपन तब। हाँ एक बाग भी लग रहा है ना, पर से बागल मारा फारूक सिंह बकर। हाँ वो भी बोल मैं जान दे बल मित है चिंता हो रहा अभी तैली पागल। चलो भाई जल्दी से वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो हेलो दोस्तों, प्रणाम पहला नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, तो हम भी एकदम मस्त है। तो स्वागत है आपका एक और बार एक और नए वीडियो में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे छोटे से गौशाले से, जहाँ से मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी दोस्तों अभी मौसम की बात की जाए ना, तो मौसम आजकल काफी बढ़िया हो रहा है। शाम को थोड़ा थोड़ा मतलब बारिश तो फेंक ही दे रहा है, बट फिर भी सही हो जा रहा है। सुबह को अभी देखो बदल के थोड़े से छोटा सा गुच्छा लगा हुआ है, बाकी कहीं भी बादल नहीं दिख रहा है। और अभी मेरे को सरकारी ड्यूटी पे भी जाना है, तो सरकारी ड्यूटी अंदर ही है अभी। इनको जितना लेट खोलेंगे ना ये उतना बढ़िया चढ़ती है, नहीं तो ये सारा सारी में जाके और उधर दौड़ने पे लग जाते हैं। तो इनको जितना लेट होगा ना उतना लेट खोलेंगे भाई। और अभी माता श्री लग चुकी है अपनी ड्यूटी पे, तो अभी सुबह का नाश्ता करने के लिए बढ़िया से माता श्री सब्जी लगा रही है। और अब हमारे प्याज हो गए ना, प्याज निकल गए, तो इन्होंने प्याज ही प्याज और आज बना दिया है प्याज की चटनी। मतलब प्याज को अलसिया के बना के और उसमें बनाते टाइम ही दही डाल देना है, तो वो भी बढ़िया हो जाता है फिर, है ना अम्मा? और फिलहाल मतलब चाय बना रहे हो पहले? चाय बनाई तो अच्छा तो चलो तो देर होता। बाकी भाई दोस्तों नाश्ता पानी भी बढ़िया से हो गया है, और अभी मेरे को थोड़ा पार्सल देने जाना है, मतलब काफल देने जाना है दीदी लोग को। तो अभी देखो इन्होंने पैक तो कर ही लिए, ये डब्बा लाया था मैं कल पूरा भर के, तो ये तो हो गया खत्म। और बाकी ये डब्बा दे दिया है और ये डब्बा दे दिया दीदी को, और ये बाकी एक किसी के लिए है। और बाकी इतने काफल बचे देखो, इतने डब्बे से और खाली 4 काफल बचे मेरे लिए। तो चलो भाई दोस्तों अपनी 11 नंबर की गाड़ी से और निकलते हैं अपने आगे के सफर को। और आज हमको पैदल ही जाना है और पैदल ही आना है, क्योंकि भाई गाड़ियां कोई नहीं है तो पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल ही आना पड़ेगा। ते बढ़िया तुम दौड़ा अच्छा फार्मी हजार किन करते कि जामू अब केम जान तुम रे वो तो आज ना गाड़ी गैर तो कुछ जान नहीं आ मैं जाने हां ना ना होता है तेरा ना ना आजकल बंद हो रही यात्रा में जा रही ना ना लगी तो आ दी जाने ना शायद अब सवेरा का मैं जो सवेरा रामनगर जान अब एक बार दिन में जा मैं एक बार शाम को तिया मैं 5 बजे ना जाने बैठ दिनु बता नहीं आ मैं हां तो जो
ओ एक बजे रामनगर वाल जान ताल होनी हमें रामनगर पे आने जो पूर्णिया में सब यात्रा में जा रही है आजकल। हाँ चलो भाई दोस्तों, बड़ी मशक्कत के बाद मैं पहुंच चुका हूं अभी किनगुड़ी खाल में। ये देखो अभी एंटर ही हो रहा हूं किनगुड़ी खाल में। तो आज मेरे साथ फिर से एक प्रैंक हो गया। गाड़ियां चल रही हैं भाई, मेरे को पता ही नहीं था गाड़ियां नहीं चल रही है करके, क्योंकि आधे गाड़ियां जैसे जो सरकारी वाली है ना, जो रोडवेज है और वगैरह वगैरह है, तो वो सारी चल रही हैं। तो अभी मेरे सामने से ही एक गाड़ी निकली है रोडवेज की 10 बजे, तो तब जाके मेरे को आभास हुआ कि मैं बेकार आ गया, 10 वाली में ही आता और फिर यहाँ से 10 वाली में ही चले जाता तो वो सही रहता। भाई जी राम राम, ठीक ठाक बाल गोपाल सही मस्त। अरे फोन कर नहीं लग मस्त, तुम कार ही नहीं वाल, तुम अभी वो हुमर चल तैयार हुमर चल फोन करना। अच्छा और सुनाओ तो तुम ले तुम कौन पार्सल आवे जरा से पद जला देता बता देना ठीक से। तुम तो पद जला दे बता दिया। हाँ तुम मौसी बोल बननी पचला तो बोल बता दे बोल। चलो भाई दगड़ियों, 1 घंटे में मेरा पूरा आना जाना हो गया है किनगोड़ी से यहाँ और यहाँ से किनगोड़ी। तो 1 घंटे में मेरा प्रॉपर टाइम लगा आने जाने में। और अभी माता श्री देखो पता नहीं कहाँ है। अम्मा ओ अम्मा भाई उधर गई है देखो। ये देखो भाई दोस्तों, अभी हमने 2-3 दिन पहले ही इनकी गुड़ाई की है मिर्चियों की, और ये मिर्चियों की गुड़ाई से ना, और फिर से देखो बारिश होगी और ये तिपत्या झाड़ जो एस्ट्रा झाड़ रहते हैं ना, झाड़पात रहता है, वो फिर से हो गया है देखो। अब इसको एक गुड़ाई फिर से देनी पड़ेगी, एक तो दे दी एक और दे दी, मतलब 3-4 बारी गुड़ाई चाहिए होती है इसको। और ऐसे टुकिया टुकिया रही है माता श्री, ऐसे देखो इनके सब के, बस ये देखो इनका नहीं किया क्योंकि ये पहले हो गया है शायद, बाकी सबके देखो सबके सिर लापता है, ऐसे लग रहा है कि दराती से काट रखे होंगे। देखो माता श्री वैसे ही कर रही है सबका। ये देखो गाइस हमारा डॉल अभी देखो कैसे दौड़ रहा है, उसने कहाँ गया ये पूरे दिन भर उस टाइम से। डोला आ जा जल्दी आ चली थी आ आ, वो देखो कैसे दौड़ रहा है। आ जा घूमी चलो घूमी घूमी तीता नीली का है तीता नीली का है अले माँ डोलो तो नीली के है वीरबाल का गया आज नहीं। तो अभी भाई आज मैंने अपनी ड्यूटी माता श्री को दे दिया, तो डोला बार बार ना पानी में बैठा था क्योंकि गर्मी इतनी हो चुकी है ना, तो गर्मी के कारण वो बार बार पानी में बैठा था, तो माता श्री ने उसको नहला ही दिया, बस तू ना अब है। चलो भाई दोस्तों अभी हम नहा के आ चुके हैं और अभी मेरा प्लान घर जाने का है, तो यहाँ से सीधे गौशाली नहीं जा रहा हूँ अपनी चंपावती में, अभी जरा रोड पे घूमेंगे क्योंकि रोड पे भी हमारे रोड पे थोड़ा काम लगा है, तो इसका काम देखते हैं जरा। जीए साहब गब्बर भाई को बनाएंगे हम जीए साहब और मैं रहूंगा मंत्री, ठीक है। मार भैंस की कर दिया आज काम, कह रहा आज काम खराब। ये देखे कि क्या लड़ाई चल रही है। हाँ हो जाए चलो हो जाए कुंफू आ जाए कर ना दम से कर ना कुंफू, अरे दम से कह रहे ना कुंफू एक दगड़ देख मैं फिर बेटा बोल में दिखो, देख मैं गब्बर दिखो बेटा बोल में गब्बर दिखो बेटा बोल में देख कैर गब्बर मार भैंस की धैर्य था धैर उरे उरे लमड़ के धैर गब्बर धैर। ये देखो भाई इतना चौड़ा रोड हो रहा है, अब यहीं पे खेलेंगे क्रिकेट, यहाँ पे बनाएंगे ग्राउंड है ना। काफी चौड़ा हो रहा है भाई, एक बस एक टैक्सी निकल जाएगी, इतना चौड़ा रोड हो रहा है। ये
पूरा एक मीटर अंदर खोद रहे हो, तो ये भी चौड़ीकरण का सही हो रहा है। लो भाई टाइम पास ठीक हो रहा है क्या? पूरू अरे यार जरा भागो। हम नहीं अरे सची ये बात बोलो। हाँ बोलो। जब हमको ऊपर ने ए? ये तो चीज मत दे। मैं तो बुलेट ट्रेन चढ़ाना जाऊं वाले बोलपुर दिल्ली के चढ़ाना बुलेट ट्रेन चलाना बुलेट ट्रेन गैड गैडी वो चलाना जाऊं मैं। अरे झूठ झूठ नहीं बोल मैं सच में जामू अब डबर जामे की सुशीला डबर ना ना अभी जामू नहीं। अरे मैं बोलूँ अरे मैं बोलूँ जो थोड़ा वो था दिए दिए दर दा दर आकर दिया था भाड़ा जी दा क्या युवा जिन का तो सही युवा खूब हाँ बेका दादर अलग नहीं चाहिए फरन पड़ा तुम तो चुप आ टूट गया वो और ये क्या रहा फादरा नहीं अब आधा मैं बाकुरांग बोल में आधा सड़े मरे पास सड़े किले भाल दादर फाड़ा दी। अरे यो यो गाइस इनको मिलो, ये है हमारे गांव की नई चाची। अरे तो मुंडू भी तो कह रहे हो यू परे भूत उतार रही तब यू मुंडू कह रहे चलो बंद कह रहे लव यार अब उठा ले मुंडा उठा सकते तुम। यू तो देखा जरा यू तो यो वीडियो में नियामी अरे सुन तो ले यो वीडियो में नियामी ये देखा जरा गाइस ये वीडियो में नहीं आ रहे हैं ये ब्लॉग में आना पसंद नहीं कर रहे हमारा फाड़ देखो जरा भीतर भाग गए हैं यहाँ पे देखो हमारे भ्राता श्री बल दे रहे हैं बल उनको आज एक पुण्य का काम कर रहे हैं ये जरा चिड़ियों को खाना दे रहे हैं और गौरैया देखो कितने ज्यादा हो रखे हैं इधर इधर उधर इधर सारे गौरैया ही गौरैया दिख रहे हैं छोटे छोटे और बाकी हमारा काम अभी इतना हो चुका है ऊपर से रेलिंग तो बन चुका है ऊपर से दिखाऊं तुमको यहाँ से देखो ये देखो ऊपर ऐसा रेलिंग बन रखा है और बाकी नीचे एक तरफ का हो गया और एक तरफ का लाना बाकी है अभी आमी चकला आज चलान दे खाना खाना तो अब मैं निकलता हूँ खत्ते की तरफ अभी ज्यादा घर में नहीं रुकेंगे यहाँ पे रह के मेरे को लग रहा है कि दिमाग उमाग जरा थोड़ा सा हिल जाएगा जैसे हमारी भ्राता श्री अंग्रेज बन के आई थी और कलिया बन के जा रहे हैं ब्लैकी मैन ब्लैकी मैन वो देखो चखली आ गया खाने के लिए तो अभी भाई दोस्तों शाम के करीबन 4 बज चुके हैं और अब जाके थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है नहीं तो भाई दिन में इतनी गर्मियां हो जा रही है ना क्या ही बोले भाई खतरनाक गर्मी हो जा रही है। अभी जो कल के थोड़ा सा काफल बचे हुए थे ना तो उनमें मैंने भाई यहाँ पे देखो नमक और सरसों का तेल मिक्स कर दिया थोड़ा सा तो सरसों का तेल भी थोड़ा सही होता है तो कच्चा तेल किया है और अब इनने चमकीले चमकीले काफल लग रहे हैं नहीं बिल्कुल मस्त मस्त और हमारे जो ये थे फ्रासबीन ना तो इस फ्रासबीनों को उपाड़ दिया है माता श्री ने अब मैं कहीं दूसरी जगह पे नहीं लगेंगे और देखो कितने झुंडे लगे हैं भाई फ्रासबीन के कितने ज्यादा हो रखे हैं है ना भंडी फ्रासबीन हो रही होते अरे तो कुछ भाई कुछ ज्यादा ही फ्रासबीन हो रखे हैं इन पे ये देखो लंबे लंबे फ्रासबीन रे इन पे भी हो रखे हैं ये देखो क्या झुंडे लगे हैं यार अब क्या करें इसमें हल लगाना है ना तो इनको उपाड़ना तो पड़ेगा ही। आ कालू ले ले कालू ले 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 आड़े नहीं मैं आ रिया आ रकोड़ी बाट आ भाई लालू भाई पूरा खेत तो हमने बा लिया है और बाकी थोड़ा सा ओए डोला ये देखो ये मार खाएगा अपने इस पे मस्ती छा रखी है बहुत बन गया तो थोड़ा सा चाय पी रही और इसको इसको क्या मस्ती छा रखी है इसको क्या मस्ती छा रखी है खा पी के हैं हट जा हाँ हट जा मैं दहाड़ मार देना निज जा एक अब जरा हमको जोर लगाना है तो
तो जो लगाते हैं फटाफट, और उसके बाद बैलों की भी छुट्टी करते हैं। चिंटू पिंटू के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद कि चिंटू पिंटू आज कहीं पे नहीं बैठे। यहाँ देखो भाई, मेरे चिंटू पिंटू को कुछ ज्यादा ही थकावट लग गई है, क्या सू सू हो रखा है उनका। चिंटू पिंटू, ओ चिंटू पिंटू, लो आ जाओ चिंटू, ये चिंटू चिंटू। चलो गाइस, जोल लगाते हैं अब, जोल जोल लगाते हैं अब। चलो, तेरा बैल तो एक टेढ़ा टेढ़ा बिगड़ा हो रखा है। रे रे सीधा चलो रे, चलो पहले फाटने जान दे ले, चल टिट उन्हें चलो 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 चलो, मस्त लग मैंने जोल। बाकी भाई दोस्तों, बैलों की भी छुट्टी और हमारी भी छुट्टी अब, तो आज इन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, नहीं तो ड्रामा इतना खतरनाक कर दिया ने कि क्या ही बोले। बैठ जाते हैं फटाफट से, बैठ जाते हैं। तो अभी जरा बकरियों को देखती है, और 6:30 टाइम हो चुका है, 4 बजे 5 बजे से लगा रखे हमने बल्दे, और 6:30 अभी हो चुका है। तो अब जल्दी से अम्मा निकाल रही है भैंस का दूध, और मैं बकरियाँ देखता हूँ, फिर निकलते हैं 7 बजे तक घर को। आजकल थोड़ा बाघ वाघ का डर भी है ना, तो तब थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, घर को भी जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, और मैं जल्दी जा नहीं सकता क्योंकि माता श्री फिर अकेले रह जाती है, तो इस कारण हमें साथ में जाना पड़ता है बॉडीगार्ड बन के। हवा देखो कितनी मस्त चल रही है, सुर 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 चल रही है हवा भी, और हमने भी कर दिया है पूरा इधर बंद। माता श्री थोड़ा हाथ मुँह धो रही है, फिर निकलते हैं। डोला चले, डोला तो बिल्कुल तैयार होता है। भाई खाना क्यों नहीं खा रहा है डोला? ए डोला, ए डोला।